नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सब तक। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बागमती में नाव डूबने से 12 लोग लापता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आज बागमती नदी में एक बड़ा हादसा हो गया है। 32 लोगों से भरी नाव नदी में डूब गई है। नाव पर ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। हादसा सुबह 9 बजे गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद का है। आपको बता दें कि अब तक 20 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। नदी की तेज बहाव में 12 लोग बह गए हैं, इनमें ज्यादातर बच्चे बताए जा रहे हैं। 7 घंटे रेस्क्यू के बाद भी इनका पता नहीं चल पाया है। अंधेरा होने की वजह से शाम 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया है। बाकी शुक्रवार की सुबह फिर से टीम तलाश करेंगी। नदी में बहाव तेज होने की वजह से रस्सी के सहारे नाव को पार कराया जा रहा था, तभी रस्सी अचानक से टूट गई, जिससे नाव नदी में ही पलट गया है। गांव में पुल नहीं होने की वजह से बच्चे और आसपास के लोग इसी तरह से आते जाते हैं। गायघाट और बेनीबाद पुलिस के साथ SDRF NDRF की टीम रेस्क्यू टीम लगातार लगी रही। उधर मुजफ्फरपुर में ही SKMCH में नवनिर्मित पीकू वार्ड का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि DM और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जो भी हताहत होगा सरकार उसके परिवार की मदद करेगी। पहले इस तस्वीर को देखिए, जिसमें नदी किस तरह से उफान ले रही है, वहीं रस्सी से नदी पार करते लोग दिख रहे हैं। वहीं DSP पूर्वी शहरयार ने बताया है कि घटना की जांच की जा रही है। रस्सी के सहारे नाव को पार कराया जा रहा था, वह रस्सी अचानक से टूट गई थी, जिससे हादसा हो गया है। सभी मधुरपट्टी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं DM प्रणब कुमार ने बताया है कि सभी टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। कितने लोग डूबे हैं इसका आंकड़ा बता पाना मुश्किल है। 14 से 15 लोग बाहर आ गए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित निकालना है। इस घटना को लेकर SDO पूर्वी अमित कुमार ने बताया है कि हमारा मेन फोकस बच्चों को सुरक्षित निकालने पर है। कितने लोग डूबे हैं उसका अभी कोई क्लियर आंकड़ा नहीं है। वहीं SDRF और NDRF की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। डूबने वाले बच्चों में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब। नाव किनारे पलटी थी, कुछ लोग बचकर बाहर भी आ गए। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद ग्रामीण ने बताया है कि रोज की तरह आज नाव पर सवार होकर बच्चे स्कूल जा रहे थे। नाव पर 30 से ज्यादा बच्चे थे। बहाव तेज होने की वजह से नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई है। हादसे के बाद नाव सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि जिस जगह यह हादसा हुआ है वहां के लोग कई सालों से पुल की मांग कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के चक्कर में लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे भी शॉर्ट सर्किट के चक्कर में नाव से ही स्कूल आना जाना करते हैं। लापता 12 लोगों के नाम सामने आए हैं, इसमें ज्यादा बच्चे हैं। आपको बता दें कि रितेश कुमार पिता रामजीवन राय, बेबी कुमारी पिता जगदीश राय, गणिता देवी पति रामदयाल चौपाल, सुष्मिता कुमारी पिता लक्ष्मी राय, शिवजी चौपाल पिता ध्यानी चौपाल, समसुल पिता अयूब, साजदा बानो 16 पिता मोहम्मद शफी, वसीम पिता मोहम्मद इस्माइल, अजमत पिता मोहम्मद नौशाद, पिंटू सहनी पिता राजदेव सहनी, मिंटू पिता राजदेव सहनी, कामनी कुमारी पिता राजेश राय, ये सभी अब तक लापता है। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें खबर सब तक।
से हम लोग उठा रहे हैं। छोड़िए, हाँ हाँ जाइए, छोड़िए हटाइए, हम काला जाएंगे, झूठे मारो, मारा मारो तुम लोग।